लव्य व्यवस्था अध्याय 11। लव्य व्यवस्था अध्याय 11। शुद्ध और अशुद्ध मांस की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जितने पशु पृथ्वी पर हैं, उन सबों में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में से जितने चिरे व फटे खुर के होते हैं और पागुर करते हैं, उन्हें खा सकते हो। परंतु पागुर करने वाले व फटे खुर वाले में से इन पशुओं को न खाना, अर्थात ऊंट, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। और शापान, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता है, वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और खरहा, जो पागुर तो करता है परंतु चिरे खुर का नहीं होता, इसलिए वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और सुअर, जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर जितने जल जंतु है उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात समुद्र व नदियों के जीव जंतुओं में से जितनों के पंख और चोटे होते हैं, उन्हें खा सकते हो। और जलचरी प्राणियों में से जितने जीवधारी बिना पंख और चोटे के समुद्र व नदियों में रहते हैं, वे सब तुम्हारे लिए घृणित है, वे तुम्हारे लिए घृणित ठहरे। तुम उनके मांस में से कुछ न खाना और उनकी लोथों को अशुद्ध जानना। जल में जिस किसी जंतु के पंख और चोटे नहीं होते, वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना, ये अशुद्ध होने के कारण खाए न जाए, अर्थात उकाब, हड़फोड़, कुरर, शाही और भांति भांति की चील और भांति भांति के सब काग, शुतुरमुर्ग, तखमास, जलकुक्कड़ और भांति भांति के बाज, हवासील, हाड़गिल, उल्लू, राजहंस, धनेश, गिद्ध, लगलग, भांति भांति के बगुले, टिहरी और चमगीदड़। जितने पंख वाले चार पांव के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। पर रेंगने वाले और पंख वाले जो चार पांव के बल चलते हैं, जिनके भूमि पर कूदने फांदने को टांगे होती है, उनको खा सकते हैं। वे ये है, अर्थात भांति भांति की टिड्डी, भांति भांति के फनगे, भांति भांति के हरगोल और भांति भांति के हगाब। परंतु और सब रेंगने वाले पंख वाले जो चार पाव वाले होते हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है और इनके कारण तुम अशुद्ध ठहरोगे। जिस किसी से इनकी लोथ छुई जाए, वह सांझ तक अशुद्ध ठहरे, और जो कोई इनकी लोथ में का कुछ भी उठाए, वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर जितने पशु चिरे खुर के होते हैं परंतु न तो बिल्कुल फटे खुर और न पागुर करने वाले हैं, वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है, जो कोई उन्हें छुए वह अशुद्ध ठहरेगा। और चार पाव के बल चलने वालों में से जितने पंजों के बल चलते हैं, वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है, जो कोई उनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध है। और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध है, अर्थात नेवला, चूहा और भांति भांति के गोह और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान। सब रेंगने वालों में से ये ही तुम्हारे लिए अशुद्ध है, जो कोई इनकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे। और इनमें से किसी की लोथ जिस किसी वस्तु पर पड़ जाए, वह भी अशुद्ध ठहरे, चाहे वह काष्ठ का कोई पात्र हो, चाहे वस्त्र, चाहे खाल, चाहे बोरा, चाहे किसी काम का कैसा भी पात्रादि हो, क्यों न हो,
वह जल में डाला जाए और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब शुद्ध समझा जाए। और यदि मिट्टी का कोई पात्र हो जिसमें इन जंतुओं में से कोई पड़े, तो उस पात्र में जो कुछ हो वह अशुद्ध ठहरे और पात्र को तुम तोड़ डालना। उसमें जो खाने के योग्य भोजन हो जिसमें पानी का छुआ हो वह सब अशुद्ध ठहरे। फिर यदि ऐसे पात्र में पीने के लिए कुछ हो तो वह भी अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथने का कुछ तंदूर व चूल्हे पर पड़े तो वह भी अशुद्ध ठहरे और तोड़ डाला जाए, क्योंकि वह अशुद्ध हो जाएगा, वह तुम्हारे लिए भी अशुद्ध ठहरे। परंतु सोता व तालाब जिसमें जल इकट्ठा हो वह तो शुद्ध ही रहे, परंतु जो कोई इनकी लोथ को छुए वह अशुद्ध ठहरे। और यदि इनकी लोथ में का कुछ किसी का किसी प्रकार के बीज पर जो बोने के लिए हो पड़े तो वह बीज शुद्ध रहे। पर यदि बीज पर जल डाला गया हो और पीछे लोथ में का कुछ उस पर पड़ा जाए तो वह तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरे। फिर जिन पशुओं के खाने की आज्ञा तुमको दी गई है, यदि उनमें से कोई पशु मरे तो जो कोई उसकी लोथ छुए वह सांझ तक अशुद्ध रहे, और उसकी लोथ में से जो कोई कुछ खाए वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कोई उसकी लोथ उठाए वह भी अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और सब प्रकार के पृथ्वी पर रेंगने वाले वस्तु रेंगने वाले जंतु घिनौने हैं, वे खाए न जाए। पृथ्वी पर सब रेंगने वालों में से जितने पेट व चार पाओ के बल चलते हैं व अधिक पाव वाले होते हैं उन्हें तुम न खाना, क्योंकि वे घिनौने हैं। तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतुओं के द्वारा अपने आप को घिनौना न करना और न उनके द्वारा अपने को अशुद्ध करके अपवित्र ठहराना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पशुओं पक्षियों और सब जलचरी प्राणियों और पृथ्वी पर सब रेंगने वाले प्राणियों के विषय में यही व्यवस्था है कि शुद्ध अशुद्ध और भक्षय और अभक्षय जीवधारियों में भेद किया जाए।